नमस्कार दोस्तों, श्याम पीएलसी प्रोग्राम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्क्रू कंप्रेसर के बारे में। उसके बारे में आपको कुछ डिटेल बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, एक मेरी स्क्रीन है स्क्रू कंप्रेसर की। ये मैंने कुछ उसके पार्ट्स दिखाए गए हैं यहाँ पे। इसमें 22 पार्ट्स मैंने नोट किए हैं। पहले देखो, एक नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है और ये दो नंबर है, तीन, चार, ये पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10, ये 11 और ये 12 है, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये 22। ये 22 मैंने पॉइंट दिखाए हैं यहाँ पे आपको, और ये कुछ मैंने यहाँ डिटेल भी दिखा रखी है, आप देख सकते हैं। इस 22 सभी पॉइंटों को मैंने डिस्क्रिप्शन आपको नीचे बता रहा हूँ मैं आगे कि कौन सा किस चीज़ के लिए लगा हुआ है। ये देखो, इन्हें स्क्रू लगा हुआ है। ये स्क्रू कंप्रेसर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं अब दूसरे विंडो पे। ये देखो, ये एयर लोगी है ना, इसमें ये हमें 10 पॉइंट दिखाए गए हैं। ये 10 पॉइंट आप देख सकते हैं आराम से, किस चीज़ का कौन सा वाल है, फिल्टर है या एलिमेंट है, जो भी है हमारा, ये आप आराम से देख सकते हैं सभी चीज़ बहुत ही आसानी से। ये ऑयल के लिए दिखाए गए हैं, इसमें 5 पॉइंट हमारे आप देख पा रहे हैं। ये सभी पॉइंट उसमें लगे हुए हैं। आपको पता होगा कि कौन सा पॉइंट किस में कहाँ काम आता है, कहाँ लगा हुआ है, तो ये सब चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये बाकी ये बच गई हैं आर्ट्स हमारे, ये आर्ट्स मैंने यहाँ दिखाए हैं सभी के लिए। ये सब बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट्स कहाँ लगा हुआ है और क्या काम करता है, उसके डिटेल मैंने आपको दिखाई है और ये पार्ट्स मैंने आपको दिखा दिए गए हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखो, फिर से आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्रेसर में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ लगी रहती है और कैसे ये काम करता है। देखो, ये यहाँ पे ये हमारा ब्लोअर लगा हुआ है, ये फैन है और ये कूलिंग के लिए है। ये सभी चीज़ हमारा, ये एक फैन लगा हुआ है, यही हीट इंजेक्टर है, ये सभी चीज लगी हुई है, आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो संबंधी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।